अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने किचन की किस तरह से सारी सेटिंग करने का डिसाइड कर लिया था रमदान के फ़ौरन बाद। और ये मेरा किचन रेडी हो गया था, 2 से 3 आवर्स लगे थे, रीअरेंज हो गया था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अब ऑर्गेनाइज कर लिया है। और अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि मेरी नई सेटिंग कैसी है। और एक किचन टूर भी हो जाएगा, जो कि बहुत से लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं थी जिन वजहों से मैं ये किचन टूर नहीं कर रही थी। मैंने कहा एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं शेयर करूंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों मैं डिले कर रही थी। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये एंट्रेंस है मेरे किचन की, और यहाँ से लाउंज से हम एंटर होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे ये फ्रिज है और राइट साइड पे ये वॉल है। वॉल के ऊपर ये शेल्फ है, आपको पता है इसके ऊपर पहले ब्रेकफास्ट की चीज़ें थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डस्ट आती है आजकल काफ़ी, तो सुबह थोड़ी हल्की हल्की सी मिट्टी पड़ी होती है चीज़ों पे, जिस वजह से मैं थोड़ा सही फील नहीं करती कि सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तो मैंने सब चीज़ें अंदर रखती हैं। तो उसके अलावा ये हमारी डाइनिंग टेबल है, और मैं चीज़ों की बताती जाती हूँ कि मैंने कहाँ से ली है, जस्ट इन केस यहाँ के रहने वाले लोग जानना चाहें। तो ये हमने आइकिया से लिया, डाइनिंग टेबल अलग से थी और चेयर अलग से थी। और साथ में ये जो रैक है, ये हमने तकरीबन 4 इयर्स पहले लिया था होम सेंटर से। तो ये शेल्फ है, उसके साथ में ये भी आइकिया से लिया हुआ, ये ज़्यादातर खाली होता है क्योंकि इसमें मेडिसिन रखी होती हैं। तो साथ में मिशी का दूध वगैरह रखा होता है, सेरेलैक उसका। और यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे मैं अपना कभी कभी कैमरा या स्टैंड इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। फिलहाल आपको यहाँ सैनिटाइजर वगैरह नज़र आ रहे हैं। और ये दरवाज़ा है जहाँ से लॉन की तरफ ये खुलता है। लॉन आपने देखा हुआ है, लेकिन कोई मेरे चैनल पे जो नए हैं उनको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ कि ये मेरा एरिया है किचन का जो लॉन की तरफ खुलता है। उसके अलावा गैस सिलेंडर्स यहाँ पे हैं, गैस की प्रोविज़न नहीं है। और ये सिलेंडर का जो है ना, ये अब कवर ये बहुत ही गंदा हो गया, मैं इसे जितना भी साफ़ कर लूँ मज़ीद साफ़ नहीं हो रहा, ये ग्रीस लग गई हुई है ना, तो मुझे नया मिल नहीं रहा है। तो खैर, और ये मेरा कुकिंग रेंज है, और ये मैंने फाइबरल शॉप से डेकोरेशन ली हुई है, बहुत प्यारी लगती है मुझे, तो मैंने चूल्हे के ऊपर लगाई हुई है। और इस बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप इसके अंदर बेकिंग क्यों नहीं करती, और मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल या आटा वगैरह जो खुशका होता है वो मैंने इसके अंदर रखा होता है। तो अब उसका आंसर कि मैं इसमें बेकिंग क्यों नहीं करती, उसका आंसर ये है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर्स हैं, और बेकिंग आपको पता है 30 to 40, 40 to 50 मिनट्स लेती है, और सब कुछ गैस सिलेंडर के ऊपर, तो हर वक्त गैस का ही प्रॉब्लम रहेगा कि अब फिर ख़त्म होगी, फिर ख़त्म होगी। लोग दो दो सिलेंडर्स लेके घर में रखते हैं, हमने एक ही लिया हुआ है, दूसरा मैं ही शहजाद को लेने नहीं देती कि बस इसी को एक्सचेंज करा लिया जाए। तो ये है रीज़न। और ये उसके बाद फिर हमारे जो पूरा शेल्फ है और पूरी कैबिनेट्स हैं, ये हमने खुद खरीदी थी, क्योंकि जो नए घर होते हैं कईयों में ऑटोमेटिकली मतलब प्री इंस्टॉल्ड होती हैं कई घरों में कैबिनेट्स, और कई घरों में नहीं होती। तो ये घर ब्रांड न्यू था जब हमने लिया था, और हमारा जो है लैंडलॉर्ड अच्छा था, उससे हमने कहा था एसी लगवा के दो, तो उसने लगवा दिए थे और रेंट नहीं लेकिन बढ़ाया था। तो लेकिन उससे हमने कहा था कि कैबिनेट्स भी लगा के दो, तो उसने कहा कि हायल में कोई इतना खास रिवाज नहीं है कैबिनेट्स लगवा के देने का, तो ये सब अपनी अपनी खुद लगाते हैं, और जब किसी और घर में शिफ्ट करते हैं तो साथ में ले जाते हैं। तो खैर, तो ये है यहाँ पर चीज़ें। और इसके अलावा ये मेरा माइक्रोवेव है, इसके नीचे डिश वॉशर है, और साथ में वॉशिंग मशीन है, और ये मेरा फ्रिज है। और ब्रांड्स भी बताती जाती हूँ जस्ट इन केस आपको जानना है, फ्रिज का बहुत लोग पूछते हैं, तो ये है हाम ब्रांड है, हाम। और उसके अलावा ये जो शेल्फ है ये बहुत अच्छा है, और कब से मैं इसके पीछे लगी हुई थी, ये मुझे मिला है साको से, और आई थिंक 400+ इसकी प्राइस थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो ये हैं कि कैबिनेट में से कुछ जो इस तरह से मेरी क्रॉकरी थी वो मैंने निकाल के यहाँ रख दी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हायल से क्या सऊदी अरब से बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस जा चुके हैं, बहुत इक्का दुक्का ही लोग रह गए हैं। तो यहाँ पे हायल में तो हमें कोई शहजाद के ऑफिस में कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, तो हमारा कोई जानने वाला यहाँ पे नहीं है, तो हमारे घर किसी गेस्ट ने आना ही नहीं है। तो ये वाले वो बर्तन हैं जो ज़्यादातर गेस्ट को सर्व करने के लिए यूज़ होते हैं, कुछ अंदर भी रखे हैं मैंने बर्तन में,
मेरे पास ज्यादा है ही नहीं, तो इनको मैंने यहाँ रख दिया। जब यूज करना होगा तो मैंने वॉश करके यूज कर लूंगी। उसके अलावा ये सेकंड रैक है और इसमें मैंने सारी अपनी अप्लायंसेज रख दी हैं। ये आप जमजम है ग्रीन बॉटल में और ये वो अप्लायंसेज हैं जो हम यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये जो पानी का कैन नजर आ रहा है ये मैंने इसको DIY करके रखा हुआ, ये मेरा वाटरिंग कैन है मेरे प्लांट्स के लिए। उसके अलावा ये अवन है, चिकन थाइस बना रही हूँ मैं आज और वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये अवन जीपास का है, बहुत अच्छा है और इसको मैं प्री हीट कर रही हूँ। साथ में पड़ा हुआ है टोस्टर और साथ में ये है मेरा एयर फ्रायर। और उसके अलावा ये नीचे प्याज आलू वगैरह और एक एक्स्ट्रा मैंने अपनी अप्लायंस जो जूसर है यहाँ रखा हुआ, और पीछे ये सारे फॉयल वगैरह पड़ी हैं और ये बच्चों के जूसेस मिल्क वगैरह यहाँ पे। ये जो लास्ट है रैक इसमें चावल आटा वगैरह पड़े हुए हैं और साथ में ये सर्फ और ये जो सफाई वगैरह के लिए मॉप वगैरह ब्रूम ये सारे मैंने यहाँ रखे हैं ब्रशेस। तो और ये पानी की हमारा क्रेट यहाँ पड़ा होता है। यहाँ पे मैं मोस्टली अपना जो है ना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ और अपना कैमरा चार्ज कर लेती हूँ किचन में काम करते हुए। और ये हमारा यहाँ का सेटअप है। बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं कि हमने किचन में वॉशिंग मशीन क्यों लगवाई है और टॉयलेट में या बाथरूम में क्यों नहीं लगवाई, तो इसलिए कि यहाँ पे कौन सा पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलता मशीन में से, और यहाँ पे कौन सा हाथ से धोने हैं हमने कपड़े, बस मशीन में डाले और धुल के स्पिन होके रेडी हो जाते हैं, निकाल के बस जो है वो ड्राई करने के लिए डाल दिया। तो इसलिए मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है कि जिस वक्त किचन में काम कर रही हूँ उसी टाइम पर मैं इसमें जो है ये सारी चीज़ें भी कपड़े वगैरह भी इसके अंदर धो लूँ। उसके बाद अब आते हैं यहाँ से, ये स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। ये जो है ये हमारा स्पाइस वाला कैबिनेट है और ये जो आपको प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी कैबिनेट्स गंदी हैं, ये इसके ऊपर जो है ये वार्निश या जो भी कलर होता है ना ब्राउन, तो ये वो लगा हुआ और इसको जितना मर्जी साफ़ कर लें उतरता नहीं है। तो ये है अंदर से इसकी लुक और ये सारे मेरे स्पाइस जार्स हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका ढूंढूंगी क्योंकि मुझे ये काफ़ी परेशानी होती है इनको यूज़ करने में। और जो स्पाइस जार्स होते हैं, पूरी जो स्पाइस रैक होता है, वो मुझे अभी तक कोई इतना काम का नहीं मिला कि मैं उसके अंदर ये चीज़ें रख सकूँ। खैर एक था मेरे पास है कि वो इतना छोटा है कि उसमें ज़्यादातर बार 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 रीफिल करना पड़ता है। तो ये मेरा स्पाइस कैबिनेट है। तो इसके नीचे आ जाते हैं, ये है शेल्फ, कोई ख़ास चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं। और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉर है, स्पून्स वगैरह हैं इसके अंदर और स्ट्रेनर्स वगैरह हैं। ये मेरा सेकंड ड्रॉर है, इसमें सारे चम्मच वगैरह हैं। और ये थर्ड ड्रॉर है, ये बच्चों के इसमें बर्तन वगैरह हैं। तो उसके अलावा ये जो कैबिनेट है स्पाइस जार के नीचे, ये सारी प्लास्टिक कंटेनर्स की कैबिनेट है। प्लास्टिक कंटेनर्स का मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से यूज़ करने सेफ़ हैं और कौन से सेफ नहीं हैं। तो उसके अलावा ये मेरा जो है ना ये सेंटर वाला जो कैबिनेट है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। और ये सारी मेरी जो पेंट्री की चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में देखी थी कि किस तरह से बिखरी हुई थी, वो सारी इधर पूरी आ गई हैं और बस मेरी पेंट्री जो है बस इतनी सी ही है। उसके अलावा ये थोड़ी सी यहाँ पे मैंने जो कटर्स वगैरह डेली यूज़ के होते हैं ये इसलिए यहाँ रखे हैं कि ये मिशारी के लिए सेफ़ नहीं है यूज़ करने के लिए, तो ये इसको मैं ये सैकों से मैंने लॉक लिए हुए हैं तो इनको मैं लॉक कर सकती हूँ। उसके अलावा ऊपर ये टेम्परेरी है, ये इसके फीडर और ये केटल होती है, बाकी ये परमानेंट है। इसमें ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं और दो चार जो कॉमन यूज़ के बोल्स हैं वो मैंने यहाँ रखती हैं। और इसके ऊपर जो है ये मेरे मेजरिंग कप्स और पेसल मोटर और ये सारा जो वेइंग बैलेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें ऊपर पड़ी हैं, जो कि बहुत सामने सामने वो हैं जो यूज़ करनी है, जो पीछे वो हैं कि जो मैंने बहुत रेयरली को यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये यहाँ पे डेकोरेशन वाले जो है वो खाली शेल्फ है बना हुआ और इसमें मैंने ये ज़ाफ़रान रखा हुआ है क्योंकि इसकी डब्बी जो है ना इतनी डेलिकेट है कि ये बार बार खुल जाती है। और ये साथ में एक कैंडल है और दूसरी साइड पे ये मैंने एक लोशन रखा हुआ है क्योंकि हाथ ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा काम करते करते, तो फिर यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा ये मेरे किचन नॉश किचन रूटीन के लोगो वाले शहजाद ने मुझे कप्स गिफ्ट किए थे और ये मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए रख लिए हैं। और ये जो सेंटर वाला जो हमारा कैबिनेट है, इसके अंदर कप्स हैं ऊपर ग्लासेस कप्स और नीचे प्लेट्स वगैरह हैं। तो उसके बाद ये जो है हमारा आ जाता है सेकंड वाला शेल्फ, बस यही दो एक एक मीटर के दो शेल्फ्स हैं यहाँ पे लगे हुए। और ये मेरी अप्लायंसेस कुछ पड़ी हैं और ये जो मैंने खाना बनाना और ये आइसक्रीम है डीफ्रॉस्ट थोड़ी सी होने के लिए रखी है ताकि स्कूप आउट कर सकूँ तिहामी के लिए।
और बाय द वे ये न्यूटेला आइसक्रीम है, होममेड, यमी यमी, आपको भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। और ये नीचे वाला जो रैक है, कैबिनेट है नीचे वाला, ये नीचे वाला कैबिनेट, इसको भी मैंने अरेंज कर दिया है। इसके अंदर प्रेशर कुकर और जो बर्तन वगैरह आटा गूंदने के, उस तरह के हैं, सैलड स्पिनर, ग्रेटर, इस तरह की चीज़ें, और नीचे प्लास्टिक कंटेनर्स जो कि बहुत कम यूज में आते हैं वो वाले। नेक्स्ट है ये मेरा पतीलों का जो कैबिनेट है, इसमें पतीले वगैरह हैं सारे। और ये साथ में जो थर्ड वाला नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये सारा बास्केट्स वगैरह, मैं आपको वो भी दिखाई देती हूँ, ये देखें बास्केट्स वगैरह, ये भी कुछ एक्स्ट्रा पतीले हैं। तो ये सारा एरिया तो हमने कवर कर लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। इसके अंदर ये टिश्यू रोल्स हैं, और ये मैंने इसी तरह से निकाल के रखे होते हैं ताकि यहाँ से मुझे ऐसे पुल करके मैं तोड़ लेती हूँ तो मुझे इजी रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं यहाँ से टिश्यूज। और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ग्लास वगैरह हैं, कप्स हैं, ये स्पेस अब बच गई है मेरे पास। और यहाँ पे मिशारी की कुछ चीज़ें होती हैं, और नीचे जो जिप लॉक बैग्स और ट्रैश बैग्स, इस तरह की चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं, वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और ये जो मेरी कैबिनेट है, ये मेरी लेंटिल्स की कैबिनेट है, और लेंटिल्स हैं। और इस साइड पे जो है ना, ये मेरे ग्लव्स वगैरह पड़े हैं और फेस मास्क वगैरह पड़े हैं। ग्लव्स जो है वो मैं बर्तन धोने के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, डिस्पोजेबल वाले। और ये ग्लव, ये जो मास्क है, ये बाहर जाने के लिए, और ग्लव्स भी यहीं से निकाल लेती हूँ। सो और यहाँ पे स्क्यूअर्स वगैरह हैं। कोई मैंने स्पेशल ऑर्गेनाइजर्स वगैरह नहीं लिए हुए किचन के लिए, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और हर वक्त इधर से उधर जाना हमारा काम है, जॉब्स इधर से उधर हो जाती हैं, तो सामान वही जो ज़रूरत होती है वही लेते हैं फिर। तो ये जो है, ये ऊपर ये सारे पड़े हुए हैं, चॉकलेट्स और आइसिंग शुगर, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो कि बेकिंग में यूज़ होती हैं। और नीचे भी वही चीज़ें, बस ये जो टैबलेट्स हैं ये हैं जी डिशवॉशर टैबलेट्स, बाकी सारी यहाँ पे बेकिंग की चीज़ें हैं। और डिशवॉशर टैबलेट्स यहाँ इसलिए पड़ी हुई हैं ताकि मशीन यहाँ से एक्सेस कर सके। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मसाले वगैरह हैं, जो उनके पैकेट्स हैं, वो मैंने इस बास्केट में डाल के यहाँ रखती हैं कि कभी मसाले ख़त्म हो जाएं तो पहले मैं इसमें चेक कर लेती हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। और ये जो है, ये बच्चों का बेसिकली मैंने सेक्शन बना दिया, लेकिन ये वो वाला सेक्शन है कि जिसमें बच्चे मिशारी जो अपनी मर्जी से नहीं घुस सकता, इसमें सारे आइसक्रीम कप्स हैं और आइसक्रीम मोल्ड्स हैं, पीछे आपको नज़र आएंगे वो। और ये ग्लासेस वगैरह हैं और मेसन जार्स हैं, बस ये चीज़ें। और ये थे हम इन्हें सीड्स यहाँ रखे हैं, बस ये चीज़ें हैं। और यहाँ नीचे वाले रैक में ये सब तो स्नैक्स हैं, और इनको जितना भी मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ अगले दिन तक फिर ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे हर वक्त छेड़ते रहते हैं, बच्चों के लिए बेसिकली बनाया हुआ है। और उसके अलावा ये जो रैक था, ये सारी पेंट्री चल रही थी ना, आपको याद है, और ये भी सारी, इसमें भी पेंट्री ही थी का स्टफ़ था, इसमें भी पेंट्री का स्टफ़ था सारा, तो ये सब ऑर्गेनाइज होके तो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो गया। और यहाँ पर मैंने बस एक्स्ट्रा ऑयल, मैदा, बेसन वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हैं, और नीचे जो है वो मैंने पास्ता और मैदा वगैरह रखती हैं, ये मतलब यानी बेसिकली ऑयल, पास्ता, मैदा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे हैं। तो ये है, और बस ये सारा मेरा कंप्लीट किचन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे किचन का नया सेटअप अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि मेरा अपना घर है या ये रेंटेड अपार्टमेंट है, तो ये रेंटेड अपार्टमेंट है सऊदी अरब में, आप कहाँ अपने घर ले सकते हैं। मुझे अपना किचन हर लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि मेरे किचन में कोई एग्जॉस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर एग्जॉस्ट लगाया जाए। तो इस वजह से वो एसी का नज़र आ रहा है, बाय द वे जो स्क्वायर्स आपको नज़र आ, वहाँ एसी लगता है। और जो हमारा लैंडलॉर्ड है, जो मालिक मकान है, उसने बाकी सारे घर में एसी लगा के हमें दिए हैं, जबकि इस घर में एसी इंक्लूडेड नहीं थे। तो लेकिन हमने उसे रिक्वेस्ट की तो उसने लगवा दिए, तो लेकिन उसने किचन में नहीं लगवाया था, और किचन के लिए हमें अपना खुद खरीदना पड़ेगा। और मैंने शहजाद से बोला कि गर्मी का थोड़ा सा टाइम होता है, बाहर लाउंज में हम एसी लगा लेते हैं तो किचन में गुजारा हो ही जाता है, लेकिन सच बताऊँ बहुत गर्मी होती है। दमाम में भी ऐसे ही था, किचन जो बिल्कुल साइड पर हट के था, बहुत गर्मी थी, और यहाँ पर ज़्यादातर
घरों में पंखे वगैरह नहीं होते, आप देखें कोई फैन नहीं है, बिल्कुल पक जाती हूँ और लेकिन चूंकि अपना घर नहीं है तो क्यों इतने पैसे खर्च करने के यहाँ पे दीवारें तोड़वा के और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाए जाएं। और शहजाद अक्सर बोलते हैं कि मैं एसी लगवा दूँ, क्योंकि वो देखें एसी की प्रोविजन है यहाँ पे, अगर किचन बड़े होते हैं तो वहाँ पे एसी की प्रोविजन होती हैं, लेकिन वो मैं शहजाद को मना कर देती हूँ इसलिए कि जब किचन में कुकिंग वगैरह करनी है तो उस वक्त वैसे भी एसी बंद करना है, 2 मिनट बैठ के खाना खाना है और उसके बाद वैसे भी सारा टाइम एसी बंद रहेगा तो किचन तो गर्म ही रहता है, तो ज़बरदस्ती पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा कि एक एसी लेके हम लगवा लें। तो इसी रीज़न पे मैंने दमाम वाले घर में भी शहजाद को एसी नहीं लगाने दिया था, वही रीज़न मेरी यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो वो है ना कि गुजर जाती हैं और फिर सर्दियाँ आ जाती हैं और फिर फील भी नहीं होता। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई टिप्स जाननी है, कोई आइडियाज़ चाहिए अपने किचन के लिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं और मैं अपने नॉलेज के मुताबिक आपको गाइड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।